इट वॉज वेरी रिस्की यहाँ पे जो मैंने मूव किया अभी, तो 30 seconds और है, वी आर इन अ गुड मार्जिन ओवर हेयर, लेट सी वॉट हैपन्स। मैंने एंट्री पॉइंट यहाँ पे लेना था बट वो। हाय गाइस, मेरा नाम है कबीर खन्ना और अगर आपको नहीं पता है मेरा एक टेलीग्राम पे फ्री चैनल है जहाँ पे मैं हर एक दिन फ्री सिग्नल्स प्रोवाइड करता हूँ, तो इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस मत करो और ज्वाइन इन करके पैसे बनाना आज ही से शुरू करो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कबीर खन्ना या फिर आप मेरे को मेरे चैनल के नाम से जानते हो, द देसी ट्रेडर। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया एक नई स्ट्रैटेजी जिसको हम यूज़ करके काफ़ी अच्छे खासे प्रॉफिट्स बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हो, आपको बता दूं कि इस चैनल पे मैं ऐसी ही स्ट्रैटेजी जो है आपके लिए लाता रहता हूं ट्रेडिंग पे ऑन बाइनरी ऑप्शंस, ठीक है। अगर आप सीखना चाहते हो तो बेल आइकन को ज़रूर दबा देना सब्सक्राइब करते हुए, ताकि जब भी मैं अपलोड करूँ आप मिस मत करो एक भी वीडियो को। और पहले की भी जो वीडियो आप देख सकते हो, नए हो एक और चीज़ बता देता हूँ, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहाँ पे मैं हर एक दिन जो है फ्री सिग्नल्स प्रोवाइड करता हूँ, उसको ज़रूर से चेकआउट करना क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ पर भी पैसे बना रहे हैं, तो उसको चेक कर लेना। बट उससे पहले ये वीडियो को पूरा देख लेते हैं और देख लेते हैं आज की स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है और कैसे हम पैसे बना सकते हैं स्ट्रैटेजी से। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ट्रेडिंग सेशन। ओके गाइज, आज का जो है सेटअप मैंने ऑलरेडी करके रखा हुआ है। यहाँ पे जो है हमने पैराबोलिक स्टार्स लगाए हैं, कुछ भी चेंज नहीं किया है, और हमने जो है एक ऑसम ऑसिलेटर लगाया हुआ है। ऑसम ऑसिलेटर पे जो है स्लो पीरियड मैंने जो है 30 पे किया है। मार्केट हमारी पहली यहाँ पे चूज़ की हुई है वो है यूरो JPY, और हमारे यहाँ पे कैंडल जो है 5 सेकेंड पे है, टाइम फ्रेम हमारा 2 मिनट्स पे है, इंडिकेटर मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, और हमारी कैंडल्स लगी हुई हैं चार्ट टाइप में। ऑप्शंस देख लेते हैं हमारे जो है बाइनरी में, आज के जो है ग्रेट ब्रिटिश पाउंड भी सही लग रहा है, और यहाँ पे यूरो GBP भी अच्छा लग रहा है, और एक और यूरो USD को भी ले लेते हैं। तो इन सारों में यही जो है हमारी स्ट्रैटेजी रहने वाली है जिसको हम यूज़ करने वाले हैं। लेट सी मार्केट कैसे चल रही है। तो मार्केट एक हायर पोजीशन पे थी, उसके बाद एक नीचे गई है, उसके बाद एक हाइक ले रही है 2-3 बारी। यहाँ पे एक जो है हमें रेजिस्टेंस मिल रही है, और मार्केट जो है नीचे यहाँ पे और थोड़ा सा गिर सकती है, बट देखना पड़ेगा। नीचे तो गिर रही है, लेट्स सी, लेट्स गो फॉर अ ट्रेड ऑफ $304 जो हमारे अकाउंट में पड़े ही हुए हैं। यहां पे नहीं जाएंगे, तो यहाँ पे मार्केट काफी डाउन में जा रही है। अभी जो है बड़ी कैंडल्स आई हैं ग्रीन की, ये ज्यादा देर मेरे हिसाब से स्टे नहीं करनी चाहिए, बट एंट्री पॉइंट मैंने फिर से मिस कर दिया यहाँ पे, और मार्केट कितना डाउन जा सकती है यहाँ पे। लेट्स एनालाइज कि हमारा एंट्री पॉइंट जो है अगर हम यहाँ पे ले लेते तो वो सही रहता या फिर नहीं। इट सीम्स कि सही रहता शायद, बट कोई बात नहीं, द मेन पार्ट इज टू बी पेशेंट ऑलवेज। ट्रेडिंग में अगर पेशेंट नहीं रहोगे पैसे गवा बैठोगे अपने। यहाँ पे मार्केट काफी एक डाउनवर्ड प्रेशर में है, ओवर सोल्ड कंडीशन में जा रही है ऑलमोस्ट, तो एक हमारा एक अपवर्ड ट्रेंड यहाँ पे ब्रेकआउट होने का चांसेस है, बट बहुत ही स्लोली। यहाँ पे जो है हमें एक सपोर्ट मिली हुई है, बट यहां पे एक रेजिस्टेंस भी है, तो इस पोजीशन में एक ट्रेड लेना काफी मुश्किल है टू गेट इट राइट। ओके, ये वाली मार्केट को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मार्केट काफी बड़ी कैंडल्स को ग्रीन को हमारी दिखा रही है,
तो उतनी ही जल्दी मार्केट नीचे भी गिरेगी। तो यहाँ पे जो है एक डाउन का पोजीशन ले लेते हैं एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अगर हमें लगेगा कि मार्केट और भी हाई जा सकता है तो इसको जो है हम टैकल करने के लिए एक हायर पोजीशन ले लेंगे, बट फॉर नाउ आई थिंक द मार्केट कैन गो डाउन। नाइस, मैंने एंट्री पॉइंट यहां पे लेना था बट वो भाई साहब यहां पे हमारी एक गलती हो सकती है अगर हमारा जो है एंट्री पॉइंट बहुत हाई लग गया है, क्योंकि मेरे को लग रहा था मार्केट अगर फ्लक्चुएट कर रही है इतना, जहां पे हमारा एंट्री पॉइंट लो का है वहीं जो है हम ओके नाइस 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 नाइस, इट इज नॉट दैट बैड। हमने यहां पे प्रॉफिट बना लिया है। इट वॉज वेरी रिस्की यहाँ पे जो मैंने मूव किया अभी, उसका एग्जीक्यूशन बहुत जो है डिफिकल्ट है और मैंने गलती किया है उसका एग्जीक्यूशन, अभी सही भी नहीं किया है। तो उसमें क्या था कि मेरे को लग रहा था मार्केट अब डाउन जाने की कंडीशन नहीं बना रही है, तो मैं सेम पोजिशन से ही एक जो है हायर की जो बेट ले लूं, ताकि उसी पोजिशन से हमारा जो है जो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा हमारे लॉसेस कट हो जाएंगे। बट मार्केट जो है हमारी कैंडल्स इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही थी कि वहाँ पे हमारा एंट्री पॉइंट लेना ही काफ़ी मुश्किल हो गया था, और वो जो हमारा एंट्री पॉइंट है वो थोड़ा सा ऊपर लग गया था जहाँ से मैं चाहता था, और वहाँ पे लॉस हो सकता था हमारे $1300 का। बट यहाँ पे जो है मार्केट की फ्लक्चुएशन की वजह से भी हम बचे भी हैं और हमारा गलत एंट्री पॉइंट भी लगा है और हम लॉस भी खा सकते थे। तो ये एक रहती है अनसर्टेनिटी थोड़ी सी जब मार्केट काफी ज्यादा फ्लक्चुएट कर रही होती है। ओके, तो यहां पे जो है मार्केट को देख लेते हैं, काफी एक हाई पोजीशन पे है, तो यहां पे तो भाई नीचे गिरेगी ही मार्केट, तो यहां पे थोड़े से जो है अरे भाई साहब मैंने थोड़ी सी जो है देरी कर दी, यहां पे एंट्री पॉइंट लेना चाहता था मैं, अमाउंट चेंज करने में हमने जो है अपना एंट्री पॉइंट गवा दिया। कोई बात नहीं, ओके, तो यहां पे मार्केट जो है वो एक हायर पोजीशन की तरफ जा सकती है, बट इट इज टू अर्ली टू गेट इनटू द मार्केट राइट नाउ। यहां पे जो है हमारे पास टाइम काफी है, तो मार्केट के जो है वेरिएबल चेंज हो सकते हैं, बट यहां पे हम देख सकते हैं काफी हाई जो है हमारी एक बुलिश मूव चल रही है यहां पे। सो आई थिंक दैट द मार्केट शुड ब्रेक आउट फ्रॉम हेयर, सो लेट्स टेक अ एंट्री पॉइंट $400 का एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। क्योंकि इसके नीचे मेरे हिसाब से मार्केट यहां से नहीं जाना चाहिए, अगर जाएगा तो वहां पे भी मैं एक हायर पोजीशन ही लूंगा। ओके, लेट्स सी, ओके, वेरी 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 क्लोज, नाइस, स्टे अप एंड वी मेड अ प्रॉफिट ओवर हेयर टू। यहां पे जो है हमने ऑलमोस्ट जो है अभी तक जो है हमने $800 बना लिए हैं। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं यहां पे, मैं आपको यहां पे बता देता हूं। तो बेसिकली जो है मैं मार्केट के हिसाब से यहाँ पे जो है अगर गलत एंट्री पॉइंट भी आ रहा है तो उसको डबल डाउन करके सही एंट्री पॉइंट ले रहा हूँ, ताकि जो है हमारे लॉसेस यहाँ पे जो है लॉस ना हो और हमारा प्रॉफिट ही बने। ठीक है, यहाँ पे जो है मैं इंडिकेटर्स को देख रहा हूँ कि हमारी एक हायर पोजिशन जो है बुलिश बहुत चल रही है, यहाँ पर हम प्रेशर दे सकते हैं कि हमारा जो है लोअर प्रेशर कम है और हायर प्रेशर ज़्यादा है, जिसका मतलब ये है कि मार्केट जो है अभी एक बुलिश ट्रेंड में चल रही है
है और यहाँ पे जो है एक हमारा जो है बेरिश ट्रेंड चलने की शुरुआत हो सकती है। तो उस चीजों को देख के यहाँ पे जो है मैं एंट्री पॉइंट्स ले रहा हूँ, ठीक है। इंडिकेटर्स को देख सकते हैं और ऑसम ऑसिलेटर को देख सकते हैं, पैराबोलिक सार्स को, वो भी हमें जो है इंडिकेट कर रहे हैं कि मार्केट की पोजीशन कहाँ पे जा सकती है। बट थोड़ी सी अनसर्टेनिटी की वजह से यहाँ पे मार्केट में थोड़ा देखना भी डिफिकल्टी है कि हम कहाँ पे सही एक एंट्री पॉइंट ले सकते हैं। प्रॉफिट तो हमने काफ़ी अच्छा खासा बना लिया, बट मैं आपको एक काफ़ी एक अच्छी सी एक और ट्रेड दिखाना चाहता हूँ। सो लेट्स गो फॉर $94, क्योंकि वो हमारे पड़े हुए हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मार्केट एक बेरिश ट्रेंड में है, ठीक है, और यहाँ पे जो है हमारा एक बुलिश ट्रेंड आउटब्रेक होने की संभावना हो सकती है। हमारा अभी ट्रेंड एक डाउनवर्ड की तरफ चला है, कैंडल काफ़ी बड़ी है, तो यहाँ पे जो है हम एक अप का पॉइंट ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं, यहाँ पे हम ऑसम ऑसिलेटर को भी अगर देखें तो वो ग्रीन बार्स दिखा रहा था काफ़ी अच्छे से, और एक डाउन की पोजिशन एकदम से आई, ठीक है। जब एकदम से हमारी ये पोजीशन आई डाउन की, तो यहाँ पे एक जो है बाउंस बैक लेके ऊपर की तरफ मार्केट जो है फिर से जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है मार्केट ने फिर से डाउन लिया था, उसके बाद ही मार्केट काफी ऊपर गया, फिर से डाउन गया, फिर मार्केट फिर से ऊपर जाने लग गया, राइट। तो उसी आउटब्रेक को चलते हुए देखते हुए मैंने जो है यहाँ पे ये भी ट्रेड लिया है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी है जो वैसे ही हमारा ट्रेंड रिपीट हुआ है। 30 seconds रिमेनिंग है। आई एम जस्ट होपिंग कि ये जो है हमारा ट्रेंड ऊपर की तरफ रहेगा, क्योंकि इट टेंड्स टू गो डाउन अगेन एंड देन गो अप, ठीक है। तो 30 seconds और है, वी आर इन अ गुड मार्जिन ओवर हेयर, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओके, 3, 2, 1, वी जस्ट मेड अ प्रॉफिट ऑफ $78, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आज के इस ट्रेडिंग सेशन में हमने ऑलमोस्ट जो है $1,000 का जो है प्रॉफिट बना लिया। टू बी एक्यूरेट जो है मेरे हिसाब से $800-900 का बनाया होगा, बट हमने जो है मार्केट आज की जो है टैकल की, उसमें जो है हमारे जो लॉसेस हो सकते थे उनको भी देख के जो है उनको भी प्रॉफिट में बना दिया, ठीक है, और मिनिमाइज करा हमारे लॉसेस को। तो यही जो है आपकी भी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए कि आप कैसे मिनिमाइज कर सकते हो अपने लॉसेस को, आपको मार्केट कैसे देखनी है वो थोड़ा समझ आना चाहिए, और ये इंडिकेटर्स जो है आपको हेल्प करते हैं उसको देखने में। तो गाइज, हमने जो है आज का ट्रेडिंग सेशन काफ़ी अच्छा खासा जो है प्रॉफिटेबल किया, हमने $800-900 बनाए, ठीक है। हमने 10,300 से शुरू किया था और हम जो है एंड कर रहे हैं $11,172 पे, जो कि हमने आज के ही इस सेशन में बनाए। आपको मैंने दिखाया कि कैसे आप लॉसेस को भी प्रिवेंट कर सकते हो, राइट। तो यही सब चीज़ें जो है दिमाग में रखनी होती है, और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप मेरे को मैसेज कर सकते हो मेरे टेलीग्राम पे, आपको पहले ही बता दिया, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन जरूर दबा देना, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, और घंटे को जरूर दबा देना ताकि जब भी मैं अपलोड करूं आपको सबसे पहले पता लगे, और आप इन वीडियोस को, इन स्ट्रेटजीज को यूज करके और भी प्रॉफिटेबल और अपनी जो है फाइनेंशियल फ्रीडम को पा सको। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में।